भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने केएल राहुल को साउथ अफ्रीका दौरे पर कप्तानी देने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका दौरे पर जितने मैचों में भी कप्तानी की है, सभी में भारत को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। बता दें वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी केएल राहुल के हाथों में थी, क्योंकि रोहित शर्मा चोटिल थे। केएल राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया ने इतना घटिया खेल दिखाया कि साउथ अफ्रीका ने उसे 3 मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से हरा दिया। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में केएल राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ी थी। गावस्कर ने केएल राहुल को कप्तानी दिए जाने के टीम मैनेजमेंट के फैसले के कारण पर सवाल उठाया है, क्योंकि राहुल ने आज तक अपनी टेस्ट टीम कर्नाटक की भी कप्तानी नहीं की थी। सुनील गावस्कर ने इंडिया टुडे से कहा, केएल राहुल के पास कप्तानी का ज्यादा अनुभव नहीं है। केएल राहुल ने पिछले 2 IPL में केवल पंजाब किंग्स की कप्तानी की है। अगर आप IPL में भी केएल राहुल की कप्तानी को देखें तो भी पंजाब किंग्स ने पिछले 2 साल में कुछ खास नहीं किया है। गावस्कर ने कहा, केएल राहुल ने इससे पहले कभी भी रणजी ट्रॉफी या लिस्ट ए में भी कप्तानी नहीं की है, इसलिए जब आप उन्हें कप्तान के रूप में सोचते हो तो आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-1 से हार के बाद विराट कोहली के पद से हटने के बाद केएल राहुल को भारत के अगले टेस्ट कप्तान के रूप में देखा जा रहा है। वहीं रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में राहुल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल की कप्तानी का सपना टूट सकता है। केएल राहुल बतौर कप्तान साउथ अफ्रीका की सरजमी पर बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं। बता दें कि अब भारत 6 फरवरी से वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलते हुए नजर आएगा। वनडे और T20 सीरीज में बतौर कप्तान रोहित शर्मा की वापसी हो सकती है।